नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। बढ़ेंगे खबरों में आगे, लेकर रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से बड़ी खबर हमें यहां पर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां पर बेसमेंट में भीषण आग लगी है। गुलमोहर रेजिमेंट गारमेंट शॉप में ये आग लगी है। बंद दुकान में अचानक आग लग गई है। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि हजरतगंज जनपद मार्केट की यह घटना बताई जा रही है। लगातार ये बड़ी घटना आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां बेसमेंट में भीषण आग लगी है। गुलमोहर रेडीमेड गारमेंट शॉप में ये आग लगी है। बंद दुकान में अचानक आग लगी है। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हजरतगंज जनपद मार्केट की घटना बताई जा रही है। लखनऊ की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर गुलमोहर रेडीमेड गारमेंट शॉप में बेसमेंट में आग लगी है। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान यहां पर बताया जा रहा है। हजरतगंज जनपद मार्केट की घटना लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गुलमोहर रेडीमेड गारमेंट शॉप में भीषण आग लगी है। बेसमेंट में ये आग लगी है। बता दें कि इस आग लगने से लाखों का नुकसान यहां पर हुआ है। हजरतगंज जनपद मार्केट की घटना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर गुलमोहर रेडीमेड गारमेंट शॉप में आग लगी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता राशिद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राशिद, बताया जा रहा है गुलमोहर रेडीमेड गारमेंट शॉप में आग लगी है और आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान भी हो गया है। क्या कारण बताया जा रहा है आग लगने का? हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से जो ये गुलमोहर जो लेडीज गारमेंट है, जनपद मार्केट हजरतगंज के अंदर जनपद मार्केट है, उसके अंदर का वहां पर अचानक, हालांकि जो आग का जो कारण है वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगा है, लेकिन यहाँ पर जो फायर अधिकारी है वो जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद ही निकल के आएगा कि आखिर आग लगने का कारण क्या है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे राशिद हमारे साथ, जिन्होंने बताया है कि गुलमोहर रेडीमेड गारमेंट में आग लगी है।